विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। नमस्कार, मी प्रियंका पाटील आणि आपण पाहत आहात विश्व 24 न्यूज। जैतून बी उर्दू प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा स्वागत नगर सोलापूर येथे जेपी सोशल फाउंडेशनच्या वतीने विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप तसेच खाऊ वाटप आणि कोरोना महामारीत आपल्या जीवाची पर्वा न करता पत्रकारिता जिवंत ठेवून दैनंदिन घडामोडी प्रसारित करण्यात आलेले आदर्श कोरोना योद्धा प्रमाणपत्रचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला। या कार्यक्रम प्रसंगी प्रमुख उपस्थिती म्हणून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सोलापूर शहर अध्यक्ष श्री जुबेर भाई बागवान, लोकप्रधान न्यूज चॅनल सोलापूरचे जमीर भाई शेख, MIM रिक्षा वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष रियाज भाई सय्यद, युथ प्राईड संस्थाचे समीर भाई शेख, अनिस भाई शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याकचे कार्याध्यक्ष सरफराज शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याकचे शहर उपाध्यक्ष गौसभाई कुरेशी आदी उपस्थित होते। प्रमुख पाहुणेच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप तसेच खाऊ वाटप करण्यात आले। यावेळी जैतूनबी उर्दू प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळाचे शिक्षिका व सर्व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते। आदर्श पत्रकार कोरोना योद्धा प्रमाणपत्रचे मानकरी सह्याद्री न्यूज चॅनेलचे मुख्य संपादक अ कादर शेख, विश्व 24 न्यूज चॅनेलचे दाऊदभाई मुल्ला, 7 न्यूज 24 इलियास बिजापुरे यांना सन्मानित करण्यात आले। या जेपी सोशल फाउंडेशनचे मुज्जो शेख, तन्वीर मकानदार, जिलानी शेख, जैद बडेपीर, सुलतान कोथिंबिरे, समीर मुजावर आदी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सोलापूर शहर सरचिटणीस रियाज अत्तार यांनी केले। समाजामध्ये चांगला मेसेज दिलेला आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून तुम्ही माझ्या संपर्कात आहात, अनेक वाढदिवस लोकांचे साजरे करण्यासाठी ते स्वतःच्या खर्चातून ते करतात, कारण मोठमोठ्या नेत्यांना सुद्धा ते जमत नाही। ते आमचे जाफरबाई नेहमी करत असतात आणि प्रत्येकाच्या सुखदुःखात ते सामील असतात। तरी मी लोकप्रधान परिवाराच्या वतीने आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने त्यांना गवाही देतो की कधीही आयुष्यामध्ये कुठलीही अडचण आली तर जुबेर भाई, समीर भाई, बाकीचे जर आमचे सगळे मित्र आहेतच, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत तुमच्या पुढे थांबण्याशिवाय राहणार नाही। तुमच्या अडीअडचणी हे आमच्या अडीअडचणी समजून आम्ही सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, एवढी मी गवाही देतो। आज बोलवला, माझा मान सन्मान केला, सत्कार केला आणि मला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो आणि थांबतो। आज कार्यक्रम सोलापूर शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष के अब शिक्षा विभाग के जिम्मेदार कार्याध्यक्ष जनाब सरफराज शेख, सह्याद्री न्यूज चैनल के प्रमुख जनाब कादर भाई शेख, MIM वाहतूक शाखा के प्रमुख रियाज भाई सैयद, पत्रकार हमारे रियाज भाई बिजापुरे मुल्ला जी, गौस भाई कुरेशी, सोलापुर शहर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के सरचिटनीस तड़पदार सामाजिक कार्यकर्ता रियाज भाई अतार, सोलापुर शहर राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक विभाग के सरचिटनीस मेरे सरकारी जनाब गौस भाई कुरेशी, जिनके जन्मदिन के अवसर पर आज का ये सामाजिक कार्य किया गया, ऐसे हमारे दोस्त जनाब जाफर भाई पटेल साहब, पिछले साल समीर भाई जाफर भाई का बर्थडे शहर कामो धंधों में आपके और हमारे मौजूदगी में शहर हुआ था। उस कार्यक्रम के वक्त में जब मैंने अपने ख्याल का इजहार करते वक्त जाफर पटेल को और उनके सरकारी रियाज भाई को यहाँ पर एक ऐसा मेरा मशवरा था कि देखो जन्मदिन ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जन्मदिन मनाते वक्त में ऐसे बाकी के खर्चों में द्वारा बगल देकर ऐसा कुछ सामाजिक कार्य कार्रवाई करनी चाहिए जिसका जिसके चलते जो ना गोर गरीब बच्चों को या जो ना गरीबों को जो ना भला हो। आज बड़ी मसरत की बात है कि मेरे मशवरे को जो ना लबैक कहकर जनाब जाफर भाई पटेल साहब और हमारे सरकारी रियाजत्ता साहब ने इस माचूम बच्चों को वही वाटर और बिस्किट यहाँ पर हमने दिया है और साथ ही साथ कोरोना जैसे महामारी के पीरियड में जिन पत्रकार भाइयों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए घर के बाहर निकलकर लोगों को जो है ना जो प्रैक्टिकली जो मौजूदा हालात
हमारे तक पहुंचाने का बखूबी जिन्होंने काम को अंजाम दिया, ऐसे हमारे कादर भाई हो, मुल्ला जी हो, बिजापुरी साहब हो, इनका भी यहाँ पर कोरोना योद्धा उन पर जो आपने इनका मान सम्मान किया, मैं आपका इस कार्य का कौतुक करता हूँ और अल्लाह के दरबार में ऐसी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको तीन दूसरी राज्य अपनी तरक्की दे, आपकी सेहत में बरकत दे, आपके जो है ना सेहत कामिला आमिला आपको जो है ना अदा करे और ऐसे ही आप जो है सामाजिक कार्य यहाँ से जो है ना करती रहिए। मैं मेरा परिवार मेरा पक्ष और आपके साथ यहाँ पर आपको जो है ना अदा करे और ऐसे ही आप जो है सामाजिक कार्य यहाँ से जो है ना करती रहिए। मैं मेरा परिवार मेरा पक्ष और आपके साथ यहाँ पर मंच में बैठे हुए साथी आपके साथ कंधे को कंधा लगाकर जब भी हम आवाज देंगे जाफर भाई हम आपके साथ में। कारवा जो ना छोटी सी शुरू होता है, एक शायर ने बड़े खूब अंदाज में यहाँ पर कहा था, मैं अकेला ही चलाता जानी में मंजिल, लोग साथ आते हैं और कारवा बनता है। आप जो ना ऐसे ही आपका कारवा जो ना आगे बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ में रहेंगे और आपने यहाँ पर बुलाकर हमें इज्जत बख्शी, मान सम्मान दिया, हमारा सत्कार किया, इसलिए मैं आपका जो ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद जय भारत। सोशल फाउंडेशन की जानिब से आज हमारे जाफर भाई पटेल इनके जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर जैतून भी उर्दू प्राथमिक शाला और यहाँ पर बच्चों को बयान सिंह महोदय के साथ खाऊ अटक और हमारे सोलापुर शहर के अंदर जो कोरोना महामारी थी उस महामारी में अपने काम को अच्छे पूरे ईमानदारी से अपनी जान की परवाह न करते पत्रकारिता जो रहती है उसको जिंदा रखने का जो काम किए है ऐसे पत्रकारों का हम जीपी सोशल फाउंडेशन की जानिब से उनका सम्मान यहाँ पर करने वाले हैं। आज इस छोटे से जलसे प्रोग्राम में हमारे दावत को लबैक बोलकर यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी सोलापुर शहर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस सोलापुर जिला नियोजन समिति सदस्य युवा नेते जनाब उबेर भाई बागवान उसी के साथ एमआईएम शहर दीक्षा वातु संघ के अध्यक्ष रियाज भाई सैयद और हमारे पत्रकार और हमारे बड़े भाई अब्दुल कादिर शेख सैयदी न्यूज चैनल दाऊद भाई मुन्ना विश्व 24 न्यूज उसी के साथ हमारे इजाज भाई दुर्गापुरी 7/24 न्यूज और हमारे दूसरे हाजिर अजीज हमारे दोस्त जोश भाई कुरैशी ये सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से आज पर इस्तेमाल करता हूँ खुशामदी तामदी। आज जेपी का एक छोटा सा मैं उनका एक परिचय देना चाहता हूँ। जेपी हर दिल अजीज है सबके लिए, हर काम में हिस्सा लेना सबके साथ उनका मिलाव है, सबके साथ उनकी अच्छी रहन सहन है। उसी के साथ हमारे मार्गदर्शक हमारे अध्यक्ष जुबे भाई भगवान ये हमारे जेपी के सालगिरह के हर मौके हर बर्थडे के हर एक कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी हमेशा रहते हैं, मगर उन्होंने पिछले साल हमें एक छोटी सी सलाह दी कि रियाज भाई और जेपी भाई तुम अगर इतना खर्चा करते तुम इधर बर्थडे करते वो सब है ठीक है, मगर हम एक समाज को कुछ देना है ऐसे एक सोच रखकर आप एक छोटा सामाजिक उपक्रम तुम निस्तार लो ऐसे उन्होंने हमारे पर एक जवाबदारी हम उसको समझते और इंशाल्लाह उसको हम आज कामयाब करें उसको पूर्ण खुलासे पात्री बोलकर आज इस स्कूल में बच्चों को बयाज और खावा था उसी के साथ सम्मान पत्र का एक प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। मैं फिर एक बार सभी का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, आए हुए मेहमानों का पहले इस्तेमाल होगा। मैं इस जनाब हमारे गौश भाई कुरैशी इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे हाजिरा जी रियाज भाई सैयद इनकी गुलकुशी करेंगे मेरे से।
राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.